ये वीडियो वायरस शिंगल्स के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल दूंगी कि अगर आपको शिंगल्स हुआ है आपने घर पे ही क्या करना है ताकि पेन भी जाए, रैश भी जाए, खुजली भी ना हो, और अगर आपको पास में चिकन पॉक्स हुआ है या फिर कोरोना या कोरोना की वैक्सीनेशन लगी है, आपने क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है ताकि आप शिंगल्स जैसे वायरस से बचे रहें। रिसर्च ये शो कर रही है कि पोस्ट कोरोना पेंडेमिक शिंगल्स के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनको शिंगल्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वायरस भी सेम है और दोनों की अपीयरेंस भी लगभग सेम है। आपके शरीर के ऊपर छाले जैसे नहीं होता है, वैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पानी से भरे हुए। ये जनरली आपके टॉर्सो पे होते हैं, इधर लेफ्ट साइड होंगे और राइट साइड होंगे। इसमें पेन बहुत होता है, रैश किसी किसी को ही आता है, और पेन के साथ हो सकता है आपको बर्निंग सेंसेशन, वो एरिया नम पड़ जाए, बुखार भी आ सकता है, सर दर्द हो सकता है। इसके क्या कारण है? नंबर वन, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है, अगर आप अभी बीमारी से उठे हो, यस गाइस, अगर आप बीमारी से उठते हो, आपने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कराया है, तो आपके चांसेस हर वायरस के, हर वायरल इन्फेक्शन के, हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के डबल ट्रिपल हो जाते हैं। हो सकता है जिंदगी में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा है या स्ट्रेस है, किसी को खोया आपने, ये वायरस आपके शरीर में किसी तरीके से भी एंटर हो जाते हैं। लेट्स से वायरस किसी के शरीर में था, उसने छींक मारी, हवा से आपके अंदर भी आ गया, हो सकता है मेरे अंदर भी हो, मैंने किसी का जूठा पानी पी लिया होगा, तो मेरे सेल्स एक्टिवेट कर देंगे उस वायरस को। स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, इससे इम्पॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है स्पिरिचुअल हेल्थ वीडियोस की। लोग कहते हैं पलक तूने जीना सिखा दिया, पलक हमने खुश रहना सिखा दिया, पलक तूने ये बता दिया कि स्ट्रेस कुछ होता ही नहीं है। आप ये स्पिरिचुअल वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखो। अगर आपको ये वायरस है, आपको डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरते हैं। बट आपको दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहली चीज, आपको पेन हो रहा है। पेन के लिए आपको क्या करना है? लेट्स से वायरस आपको राइट हैंड साइड यहाँ पे निकला है, तो आपने उसकी मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे डीप टिश्यू मसाज करनी है, किसी टेनिस की बॉल से भी कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर राइट पे निकला है तो लेफ्ट पे मसाज करनी है, अगर लेफ्ट पे निकला है तो राइट पे मसाज करनी है, बट मिरर इमेज हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, आप उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी विद 1-2 ड्रॉप्स ऑफ रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर आप उसके ऊपर लगाओ, आपकी इचिंग भी कम होगी। इसके अलावा आपने एंटी वायरल हर्ब्स लेनी है। कौन सी? पहली चीज सौंफ, यस गाइस, फेनल। जो फेनल सीड्स होते हैं उसके अंदर एक कंपाउंड होता है ट्रांस एनेथॉल, ये हर्पिस वायरस में बहुत हेल्प करता है, बट इस वायरस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा तुलसी, गार्लिक, जिंजर एंड बेस्ट ऑफ ऑल रॉ हनी, आप चाय पी सकते हो ये सारी चीजें डाल के। एंड फ्लूइड्स इनटेक ज्यादा रखो। अब वायरस आ गया शरीर में, उसको बॉडी को एग्जिट तो करना ही है। आजकल एक हर्ब बहुत ज्यादा एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रूफ हो रही है, दैट इज ऑरिगैनो। ऑरिगैनो के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। अब मैं ये बताती हूँ कि अगर किसी को शिंगल्स या चिकन पॉक्स हुआ है, अगर किसी बच्चे को हुआ है, उसको 3 दिन तक रोज 20,000 IU विटामिन डी दे दो, और अगर किसी एडल्ट को हुआ है कोई भी वायरस इंक्लूडिंग कोरोना, उनको 50,000 IU 3 दिन तक दे दो। उसके अलावा एक एमिनो एसिड होता है L-lysine, वो 200-400 mg आप दिन में 3 बार लो, एंड इमीडिएटली जो वायरस की रेप्लिकेशन है बॉडी में, मतलब रेप्लिकेशन होने से ज़्यादा तकलीफ होती है, वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पे कैसे काम करना है, अगर अभी कोरोना की वैक्सीनेशन लगी है या कोरोना होके हटा है, विटामिन डी लेवल्स अगेन ऑप्टिमल रखो, विटामिन सी की गोली लो, एंड अपने स्ट्रेस पे काम करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो चुका है, आप जानते हो, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, रिसर्चर्स ने देखा है कि जो चिकन पॉक्स वाला वायरस था वो काफी एग्रवेट हो गया है आफ्टर कोरोना पेंडेमिक। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।